वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी ज्योग्राफी की लिस्टिंग की, जिसमें हम इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण लिस्टिंग की चर्चा कर रहे हैं और यहाँ से पेपर में सवाल आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अच्छे से इसको फॉलो करिए, अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और पेपर में अपना एक नंबर पक्का करिए। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ, ठीक है, माउंटेन रेंज की बात होगी आज में। और एक एक करके देखते हैं यहाँ पर, और पहला देखेंगे यहाँ पे पूर्वी घाट। पूर्वी घाट कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मिलेगा, ठीक है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है साथियों, ये पड़ेगा ओडिशा में और इस पर्वत का नाम है, मेरे को अभी बिल्कुल याद था बल्कि मैं भूल रहा हूँ कुछ, ठीक है, महेंद्रगिरी, हाँ मुझे याद आ गया, महेंद्रगिरी, ध्यान रखना। पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में पड़ता है। और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है साथियों? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है अनाईमुडी केरल में, 2695 मीटर उसकी ऊंचाई है। अरावली की बात करेंगे तो अरावली गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में पड़ेगा और अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत है गुरु शिखर। कार्डामम बात करें, कार्डामम पड़ेगा केरल और तमिलनाडु में, इन्हें इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी फेमस है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? केरल और तमिलनाडु में मिलेंगी, पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। नीलगिरी काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रखना। नीलगिरी क्या है? नीलगिरी एक पर्वतीय गांठ है, इस चीज़ को याद रखना। नीलगिरी वैसे देखा जाए तो एक्चुअल में पर्वत नहीं है बल्कि एक पर्वतीय गांठ है नीलगिरी, जिसका विस्तार तीन राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ध्यान रखना, तीन राज्यों में फैली हुई है नीलगिरी, ठीक है। और नीलगिरी माउंटेन काफ़ी फेमस है क्योंकि नीलगिरी माउंटेन में चलती है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो कि विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, टॉय ट्रेन है, बहुत ही सुंदर सी है ना। आगे देखेंगे पलानी माउंटेन, तो पलानी माउंटेन भी आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। सतपुड़ा कहाँ मिलेगा? सतपुड़ा मिलेगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। विंध्य पर्वत कहाँ मिलेगा? गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में। गारो पर्वत कहाँ मिलेगा? मेघालय में। खासी कहाँ मिलेगा? मेघालय में। जयंतिया कहाँ मिलेगा? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया आप लोगों ने नाम सुने होंगे और इस नाम से इनकी जनजातियाँ भी हैं। गारो जनजाति कहाँ निवास करती है, खासी जनजाति कहाँ रहेगी, तो ऑब्वियस बात है मेघालय में मिलेंगी। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और है कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, सॉरी दुनिया का जो सबसे वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी या मासिनराम, वो यहीं पर है। अच्छा, अब वो कहाँ पर है? क्या वो गारो में है, खासी में है या जयंतिया में, इन तीनों में कहाँ पर है? तो ध्यान रखना वो खासी पहाड़ियों पर है, इस चीज़ को ध्यान रखना। विश्व का सबसे बरसात वाला स्थान जो है मासिनराम, मासिनराम वो आपको कहाँ मिलेगा? वो खासी पहाड़ियों में मिलेगा, मेघालय में, याद रखना। पीर पंजाल कहाँ पर है? तो पीर पंजाल सबको पता है जम्मू कश्मीर और हिमाचल में है। और काराकोरम कहाँ पर है? काराकोरम लद्दाख में है, जब जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था तब जम्मू कश्मीर में होता था। और आगे बढ़ते हैं और देखेंगे भारतीय राज्यों के सबसे ऊंचे पर्वत कौन कौन से, अक्सर करके पेपर में पूछ लेता है, खासकर नागालैंड वाला तो खूब पूछता है ये वाला, पता नहीं क्यों पूछता है बट आता है कई बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी देख हम सारे के सारे लेते हैं। देखो, अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत है कांगटो, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत है लियो पारगिल, जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट केटू, हालांकि अब ये जो है लद्दाख में पहुंच गया है तो ध्यान रखना, थोड़ा अपडेट कर लेना इसको। कर्नाटक का सबसे ऊंचा पर्वत है मुल्लयनगिरी, केरल का सबसे ऊंचा पर्वत है अनाईमुडी जो मैंने आपको बताया, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है। महाराष्ट्र का जो सबसे ऊंचा पर्वत है साथियों वो है कालसुबई। मिजोरम का सबसे ऊंचा पर्वत है फोंगपुई। नागालैंड का है सारामती, ध्यान रखना। यहाँ पर यह दिया हुआ है कि इन किन पर्वत श्रृंखलाओं में है, ध्यान रखना इनको, ठीक है। ओडिशा का सबसे ऊंचा पर्वत है देवमाली, पूर्वी घाट श्रृंखला में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है गुरु शिखर, अरावली में है, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया। सिक्किम का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत है डोड्डा बेटा जो कि नीलगिरी का हिस्सा है। त्रिपुरा का सबसे ऊंचा पर्वत है बेटा लॉन्गचिप, ध्यान रखना ये स्टेट वाइज पूछ लेता है पेपर में तो आपको पता होना चाहिए फिर, और ये जमुई पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी, हिमालय का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा पर्वत है संगदुकफू चोटी जो कि पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। अब आप सोच रहे हो कि पश्चिम बंगाल में पहाड़ का है, तो भैया पश्चिम बंगाल में पहाड़ है, पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में आप जाओगे तो आपको हिमालय श्रृंखला मिलती है, आपने नाम सुना होगा दार्जिलिंग का, सुना है कि नहीं? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में ही आता है, ध्यान रखना। और दार्जिलिंग में बहुत सारे माउंटेन है, दार्जिलिंग में
एक टॉय ट्रेन भी चलती है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे करके, जो बहुत फेमस है ना, आप लोगों ने पिक्चर वगैरह में देखा होगा। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत है साथियों, अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत है सैडल पीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था हमारा, जिसमें हमने विभिन्न राज्यों के सबसे ऊंचे पर्वतों की बात की, अक्सर करके पेपर में पूछ लेता है, ठीक है ना। आप लोग मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि यूपी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, देखते हैं कितने लोगों ने यूपी स्पेशल पढ़ रखा है। और साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, पीसीएस बीओ या आरओ यारओ के लिए, या उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, या फिर राजस्थान पीसीएस या यूपी पीसीएस, तो हमसे जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और अभी लेटेस्ट जो है, हमने यूपीएससी 2024 के लिए भी अपना एक प्रोग्राम शुरू किया है, मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, उससे जुड़ करके आप हमसे अपनी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।